वचन में जाने से पहले प्रिय भाई बहनों, आज मैं अपने जीवन की सच्चाई भी बताने वाली हूँ कि कैसे इन वचनों ने, खुदावंद के पाक कलामों ने मेरे जीवन को बदला है। मैं इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको यही बताने की कोशिश करती हूँ कि जो वचन हम पढ़ रहे हैं उनका असर हमारे जीवन में कितना हो रहा है और कितना होना चाहिए। जब आप वचनों को पढ़े तो आपके जीवन में कितना वो फल होना चाहिए। हालेलुया। वचन में जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ प्रार्थना में चले। हम प्रभु के अनुग्रह को मांगते, उसकी दया को मांगते, पागरू की सहभागिता को मांगते, ताकि आज जो हम वचन पढ़ें वो खुदावंत की पाक प्रेजेंस में रहकर उसको समझे। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने दिन भर हमें संभाला है और अभी ये सुंदर शाम दी है। विश्वास करते जैसे दिन भर आपने हमारे ऊपर दया की है, आप आगे समय पर भी दया ऐसे करोगे। पिता परमेश्वर, हम थैंक्स करते हैं पिता परमेश्वर आज के पाक के लिए, कलाम के लिए जो आपने हमें दिया है। विश्वास करते कि जब हम पाक कलाम को पढ़ेंगे, तेरा पाक रूह हमें छुएगा, हमें एक नए लेवल में लेके जाएगा। जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, मानेंगे, पिता परमेश्वर ये मेरी तरह सेम नहीं रहेंगे। विश्वास करती हूँ कि आपका आत्मा हमारे बीच में आ चुका है हमें वचन को अच्छी तरह समझाने के लिए, गाइड करने के लिए। मांगते हैं प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सब बोलिए आमें आमें। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक उसके 4:25 को पढ़ेंगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, यहाँ दो बातें हम पता चलती है, एक झूठ नहीं बोलना है और एक क्रोध के बारे में कि क्रोध नहीं करना है। प्रिय भाई बहनों, मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ। पिछले दिनों जब कोरोना की जो वैक्सीन लग रही थी और वैक्सीन के दौरान क्या हो रहा था कि मुझे जो ड्यूटी दी गई थी वो कुछ ऐसी दी गई थी जिसमें झूठ बोलना पड़ रहा था और वैक्सीन को कुछ बढ़ाना था, कुछ घटाना था, मतलब वह झूठ का काम था। और मैंने जितने मेरे साथ काम करते थे मैं उनको मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मेरा खुदा इजाज़त नहीं देता ये काम करने के लिए। तो मेरी उनके साथ बहस होने शुरू हो गई और बहस के चलते चलते मतलब मैंने उनको मना कर दिया और मुझसे वो सब जन मतलब रूठ के, मतलब एक तरफ कह रही हो, सब मेरे साथ नाराज़ हो गए कि तूने ये काम नहीं किया। कुछ लोग ऐसे बोल रहे कि हम इस महकमे में हैं तो हमें ऐसा काम करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें सरकार ऐसा करेगी वैसा करेगी। तो मैंने उनको जवाब दे दिया कि सरकार चाहे जो भी करे, मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी मैं छोड़ दूंगी, पर मैं ये काम नहीं करूंगी। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि झूठ छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। झूठ बोल छोड़ना है प्रिय भाई बहनों, झूठ पकड़ कर नहीं रखना है। अगर मैं उनके साथ ऐसे लग जाती और मैं भी सोचती कि मुझे कोई कौन देख रहा है, पर प्रिय भाई बहनों, दुनिया वालों से मैं झूठ बोल लूँगी, ये पाप कर लूँगी, पर ऊपर जो मेरा लिखा जा रहा है वो कौन मिटाएगा? वो कोई नहीं मिटा पाएगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंत के वचन में लिखा, खुदावंत की आँखें हमें देखती रहती है, वो हमें जांचता रहता है। तो मैं तो दोषी भी मानी जाऊंगी ना अगर मैं ऐसा काम करती, और वो मुझे करने के लिए कह रहे हैं और मैं सच पर अड़ी हूँ कि मैं सच की आवाज़ उठा रही हूँ कि मुझे ये काम नहीं करना है, चाहे जो मुझे, मैं उनको भी विरोध कर रही हूँ कि आपको ये काम नहीं करना है। पर उनका ये कहना कि कुछ काम होते जो करने पड़ते हैं, पर मैं अड़ी रही, खड़ी रही और फिर बाद में मैं ही जीती, खुदावंद ने मुझे जिताया, क्योंकि हमेशा सच है जो जीतता है और झूठ ही शर्मिंदा होता है। हालेलुया। आगे वचन में पढ़ते, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता क्रोध तो करो पर पाप नहीं करना। मैंने उस वक्त क्या किया, क्रोध किया पर मैंने पाप नहीं किया। मैंने उनको बता दिया कि मेरा परमेश्वर मुझे ये करने की आज्ञा नहीं देता है। मैं उस वक्त उनके साथ बहस में गई, मैंने क्रोध किया पर मैंने पाप नहीं किया जिससे उनको इतनी ठेस पहुंचे कि वो मेरे परमेश्वर में आ ही ना पाए। इसी प्रकार प्रिय बहनों जिंदगी में, प्रिय भाई बहनों जिंदगी में ऐसे हालात हमारे आ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, हम संसार की सुने या हम परमेश्वर की सुने, किसकी सुने। तो प्रिय भाई बहनों, आप सभी को एक बात कहना चाहती हूँ, जो आपको प्रभु का कलाम कहता है, उस वक्त जो प्रभु की आवाज़ आपको कहेगी ना, आपने वो करना है। संसार की नहीं देखना कि संसार हमें क्या करेगा, प्रभु अनुग्रह कर देगा उनके ऊपर। जब आप सच में अड़े रहोगे, आप क्रोध नहीं करोगे, आप पाप नहीं करोगे, तो प्रभु आपके संग होगा
उस वक्त आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कल को क्या होगा, मैंने तो अपनी बात रख दी है, अब पता नहीं क्या भुगतना पड़ेगा। पर परमेश्वर अपने बच्चों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता है, प्रिय भाई बहनों, कभी लज्जित नहीं होने देता है। मुझे लज्जित नहीं होने दिया, आज भी मैं उस पोस्ट पर काम कर रही हूँ, मुझे लज्जित नहीं होने दिया। बल्कि उन लोगों को पता चल गया कि सच में जिस खुदा को वो मानती है उसका डर इसके सीने में है और ये वो काम नहीं करेगी। हालेलुया।